हेलो गाइस, तो आज मैं यहाँ पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। मेरी गाड़ी 80,000 अप्रॉक्स चल चुकी है, डीजल i20 2017 मॉडल की है, और इसका क्लच बहुत हार्ड हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका क्लच प्लेट डलवाना चाहिए, तो मैं पहुँचता हूँ अब पार्ट्स लेने के लिए। जैसा मैंने बताया, मेरी गाड़ी चल चुकी है अप्रॉक्स 80,000, 79,295। ये i20 डीजल है 2017 मॉडल। इन मैं ओरिजिनल पार्ट ख़रीद के लिए आया हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, ये कवर ऐसी है 4,703 रुपये की, और ये डिस्क ऐसी है 3,688 रुपये की। एंड मैंने सोचा साथ ही साथ क्लच बेयरिंग भी चेंज कर दें। इसका प्राइस है 1,220, 1,220 रुपये, जो मैं विद बिल लाया हूँ यस राज मोटर्स से। इन्होंने मुझे सब पे अप्रॉक्स 7% का डिस्काउंट दिया है। ये मेरा टोटल अमाउंट 9,500 समथिंग हो रहा था, इन्होंने मुझे 8,920 रुपीज़ में दिया है। इन दोनों की ही पैकिंग काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ये हम लोगों ने हमारा बैटरी सारी निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग खोलने वाले हैं इसकी क्लच हाउसिंग। खोलने के बाद मैं अब इसका हम लोग खोल रहे हैं कवर एसी के ऑलरेडी हमने सारे बोल्ट्स खोल चुके हैं, अब इसको निकालना है। निकालने के बाद कवर एसी और क्लच डिस्क दोनों साथ में निकल जाती है। ये हम लोगों ने क्लच एसी और क्लच डिस्क दोनों खोल चुके हैं, और ये देखिए आप कितना ज़्यादा फ्लाई व्हील पे गंद जमा हुआ है। ये सारा जो लेदर होता है डिस्क का, वो सारा निकल चुका है। ये देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। प्रेशर प्लेट का पूरी कट चुकी है प्रेशर प्लेट, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। इसी की वजह से क्लच भी हार्ड होता है और माइलेज वगैरह में भी इशूज़ आते हैं। माइलेज में इशू होता है, और गाड़ी क्या होता है, एक ही जगह पे है ना, आप ज़्यादा एक्सलेटर करते वक्त आपको पिकअप वो फील नहीं होती है। ये सारे इशूज़ आते हैं क्लच प्लेट की वजह से। आपका इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, माइलेज फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इट्स बेटर कि हमेशा आप जेन्युइन पार्ट्स ही यूज़ करिए अपने, जो भी आपका रिकमेंडेड होते हैं जेन्युइन, वो आपकी गाड़ी को भी अच्छा रखेगा और सेफ रखेगी हमेशा, और अच्छी परफॉर्मेंस देगी। यहाँ पे हमारा जो क्लच बेयरिंग होता है वो भी डैमेज है ऑलरेडी। जैसा मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ क्लच बेयरिंग। ये अभी क्लच बेयरिंग निकालने के बाद इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसमें थोड़ा प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करके। ये हमारे डिस्क ऐसी है जो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पुराने वाला। ये हमारा न्यू कवर ऐसी है, और ये पुराना जो पूरा कट चुका है, ये देख रहे हो आप किस तरह से इसमें लाइनिंग आ चुकी है, और जो ये ब्लेड्स टाइप के हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इसी की वजह से इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारी जो गियर बॉक्स असेंबली है, इसको भी हम प्रॉपरली साफ़ कर लेंगे अंदर से। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है, जो भी हमारा डिस्क घिसता है उसकी वजह से। कवर ऐसी और डिस्क ऐसी लग चुकी है, इसके बाद हम इस पर सारे ऊपर से नीचे तक जितने भी पेच है सारे लगा देंगे।
ये हमारा क्लच बैरिंग है जो लग चुका है और इसने प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह कर दिया है, ये बहुत स्मूथली चल रहा है। अब इसका ये ऊपर कवर लगा रहे हैं, काफ़ी हैवी होता है ये, इसी के अंदर सारे गियर्स वगैरह सब कुछ होता है। ये लगने के बाद हम इसमें प्रॉपर इसका जो गियर ऑयल होता है उसको भी रिप्लेस करेंगे जो हुंडई रिकमेंड करता है। ये हुंडई ने जो ऑयल रिकमेंड करा होता है यही सेम ऑयल मैंने डाल रहा हूँ। इसकी कॉस्टिंग मुझे 950 रुपये पड़ी। ये ऑयल डाल दे रहे हैं हम, धीरे धीरे डाल देते हैं। ये प्रॉपर हमारा अप्रॉक्स 2.5 लीटर ऑयल इसमें डल जाता है। और इसमें से जो ऑयल निकला था काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका था, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि 60-70 thousand में ये जब भी क्लच प्लेट आप रिप्लेस कराएं उस वक्त सर गियर ऑयल भी साथ ही साथ चेंज करवा दें। काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है गाड़ी में और लाइफ बढ़ जाती है। मेरी गाड़ी का काम हो चुका है अब कंप्लीट और मेरी गाड़ी का क्लच बहुत स्मूथ हो चुका है अब, और वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गई है, बहुत कम है वाइब्रेशन। पहले जैसे पिकअप में प्रॉब्लम हो रहा था, अब प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं हो रहा पिकअप वगैरह में। और मेरी गाड़ी में अप्रॉक्स खर्चा आ चुका है, सिर्फ पार्ट्स थे मेरे 8920 रुपये का, 1500 रुपये लेबर थी मेरी और 950 रुपये का गियर ऑयल था। टोटल मेरा हो गया 11370 रुपये का खर्चा। सर्विस सेंटर में मेरे को इसका एस्टिमेट दिया था उन्होंने 17000 के आसपास का, जिसमें वो कह रहे थे 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ मैंने जनकपुरी डाबड़ी में एक हमारा नोन था मैकेनिक, उनसे ही काम करवाया। उन्होंने मेरे को ये 3 घंटे में काम कंप्लीट करके फ्री कर दिया और मुझे मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमने पैसे सेव करे, जहाँ मेरे कहाँ लग रहे थे 17000 रुपये के आसपास, यहाँ मेरा 11000 में अप्रॉक्स काम हो गया कंप्लीट, टाइम मेरा बच गया। एंड सबसे बड़ी बात होती है मेरे को रिजल्ट्स मेरे को बहुत अच्छे मिले हैं ओवरऑल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं अपना स्टार्टिंग में नाम बताना भूल गया, मेरा नाम सोनू है, मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट दीजिएगा, थैंक यू, बाय।